G20 समिट के पहले ही दिन भारत को बड़ी कामयाबी, सदस्य देशों की सहमति से नई दिल्ली डिक्लेरेशन पास। G20 समिट साझा घोषणा पत्र पर सहमति का पीएम मोदी ने किया ऐलान, दूसरे सेशन की शुरुआत से पहले हुई घोषणा। नई दिल्ली डिक्लेरेशन पर बनी सहमति के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने शेरपा मंत्री और अधिकारियों को दी बधाई। पीएम मोदी ने कहा, नई दिल्ली डिक्लेरेशन अपनाने से रचा गया इतिहास। G20 समिट पर विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताया नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन को मिली मंजूरी। यूक्रेन युद्ध पर G20 देशों का मतभेद खत्म, डिक्लेरेशन पर सबकी बनी सहमति, रूस का जिक्र नहीं। 37 पन्नों का है नई दिल्ली डिक्लेरेशन, घोषणा पत्र में जारी 4 बार यूक्रेन का जिक्र। डिक्लेरेशन में यूक्रेन युद्ध को लेकर कही गई बड़ी बात, किसी देश की अखंडता पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नई दिल्ली डिक्लेरेशन पर रूस यूक्रेन के बीच ग्रेन डील को फिर से बहाल करने की अपील की गई है। घोषणा पत्र में वैश्विक समस्याओं को सुलझाने और एक धरती एक परिवार एक भविष्य पर जोर। डिक्लेरेशन के मुताबिक अब सभी देश सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर करेंगे काम, भारत की पहल पर बनाया गया वन फ्यूचर अलायंस। घोषणा पत्र में सभी देशों ने आतंकवाद के हर रूप की आलोचना की, आतंकवाद का 9 बार जिक्र किया गया। घोषणा पत्र के मुताबिक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंकों को दी जाएगी मजबूती, उन्हें बड़ा और बेहतर बनाया जाएगा। नई दिल्ली डिक्लेरेशन में क्रिप्टो करेंसी का भी जिक्र, बनाई जा सकती है ग्लोबल पॉलिसी। तेजी से विकास करने वाले शहरों को दिया जाएगा फंड, ग्रीन और कार्बन एनर्जी टेक्नोलॉजी पर किया जाएगा काम। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने डिक्लेरेशन को बताया ऐतिहासिक, कहा प्रधानमंत्री ने किया शानदार काम। अमेरिका में आया इंडिया टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट एक्ट, अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पर हटेगी पाबंदी, भारत में बेचने की होगी आजादी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत की शानदार मेजबानी से हुए खुश, प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। रेल और बंदरगाह की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका और सऊदी अरब के बीच ऐतिहासिक डील, यूरोप को जोड़ते हुए बनेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर। प्रधानमंत्री मोदी बोले, भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर बनी सहमति, कारोबार को मिलेगा बढ़ावा। भारत मिडिल ईस्ट और यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर राष्ट्रपति बाइडेन बोले, इस समझौते को पीढ़ियां याद रखेंगी। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बोले, इस ऐतिहासिक कदम के लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत जल्द लॉन्च होगा भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर, भारत यूएई सऊदी अरब ईयू फ्रांस इटली जर्मनी और अमेरिका होगा शामिल। यूरोपीय यूनियन ने किया भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का स्वागत। G20 समिट के दौरान ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की हुई लॉन्चिंग, अलायंस में भारत अमेरिका बांग्लादेश समेत 9 देश शामिल हैं। दिल्ली में G20 सम्मेलन जारी, प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मेहमानों का भारत मंडपम में किया स्वागत। फोटो सेशन में बेहद गर्मजोशी से मिले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और पीएम मोदी, कोणार्क व्हील की तस्वीरों के बारे में दी जानकारी। शिखर सम्मेलन के पहले सेशन में वन अर्थ पर दुनिया के ताकतवर प्रमुखों ने की चर्चा, जलवायु परिवर्तन पर रहा फोकस। सम्मेलन के स्वागत भाषण में प्रधानमंत्री मोदी बोले, 21वीं सदी का समय दुनिया को नई दिशा देने वाला है। G20 के मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को दिया भेद मिटाने का मंत्र, कहा साथ मिलकर हर वैश्विक चुनौती का करेंगे मुकाबला। प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी कूटनीतिक जीत, भारत की पहल पर G20 बना, G21 अफ्रीकन यूनियन हुआ शामिल। अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने पर जयशंकर बोले, बाली में हुई G20 की बैठक में पीएम मोदी ने दी थी गारंटी, जिसे पूरा किया गया। पीएम मोदी ने स्वागत भाषण में सबसे पहले मोरक्को में आए, भूकंप पर जताया दुख, हर संभव मदद का किया वादा। G20 समिट के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों दिल्ली पहुंचे, एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने स्वागत किया था। कल फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ वर्किंग लंच मीटिंग करेंगे पीएम मोदी, कनाडा के साथ भी होगी द्विपक्षीय बातचीत। तुर्की, यूएई, साउथ कोरिया, ब्राजील और नाइजीरिया के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय बातचीत कल। G20 समिट के दौरान चीन से नहीं होगी द्विपक्षीय वार्ता, प्रधानमंत्री मोदी की ब्रिटेन, जापान, जर्मनी और इटली के राष्ट्राध्यक्षों से चर्चा। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक और प्रधानमंत्री मोदी की गर्मजोशी से मुलाकात, दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। G20 बैठक से इतर प्रधानमंत्री मोदी ने की जापान के पीएम फुमियो किशिदा से मुलाकात, आपसी सहयोग बढ़ाने पर रहा फोकस।
कल पीएम मोदी की कॉमरोस, तुर्की, यूएई, ब्राजील के प्रमुखों से मुलाकात। दोनों देशों में होगी द्विपक्षीय बातचीत। सुनक बोले, 15 साल पहले वित्तीय संकट के बाद वैश्विक विकास को बहाल करने के लिए साथ आए थे G20 लीडर। ऋषि सुनक ने कहा, इस बार हम भारी चुनौतियों के साथ मिल रहे हैं, लीडरशिप के लिए दुनिया फिर G20 की तरफ देख रही है। स्पेन की उपराष्ट्रपति नादिया ने G20 के प्रभावी नेतृत्व के लिए भारत को बधाई दी। नादिया ने कहा, G20 के सत्र में सभी सदस्य देशों ने साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन की चुनौती से लड़ने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस बोले, ब्रिक्स में हमें शामिल करने के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी समेत सभी राष्ट्राध्यक्षों का आभार जताता हूं। दिल्ली पहुंचे यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने उठाया आतंकवाद का मुद्दा, कहा पूरी दुनिया के लिए खतरा है आतंकवाद। एंटोनियो गुटेरेस ने जमकर की वन फैमिली वन अर्थ वन फ्यूचर थीम की सराहना। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने दिल्ली में मौजूद विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत की कोशिशों की तारीफ की। भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी से मिले विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा, पीएम ने हाथ मिलाकर किया अभिवादन। समिट के दूसरे सेशन में वन फैमिली पर हुआ मंथन, कल तीसरे सेशन का वन फ्यूचर पर रहेगा फोकस। भारत मंडपम में G20 के मेहमानों के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की डिनर पार्टी, बाइडेन, ऋषि सुनक समेत 170 हस्तियां शामिल। डिनर में नीतीश समेत कई राज्यों के सीएम भी शामिल। नीतीश ने कहा, मैं राष्ट्रपति मुर्मू के इन्विटेशन पर डिनर में शामिल होने आया हूं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और देवेगौड़ा को भी भेजा गया न्योता, स्वास्थ्य कारणों से दोनों नेता डिनर में नहीं पहुंचे। डिनर में कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं हुए शामिल, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू रात्रि भोज में मौजूद। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन रात्रि भोज में मौजूद, राष्ट्रपति के डिनर का मिला है न्योता। विपक्ष के नेता को डिनर पर ना बुलाने को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल, भूपेश बघेल बोले, मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाना गलत है। सीएम बघेल ने कहा, इंदिरा गांधी के दौरे में 40 साल पहले आए थे 100 राष्ट्राध्यक्ष और अब 20 में से कुछ ही लोग आए हैं। बघेल ने कहा, इस बैठक का अभी तक नहीं दिखा रहा है कोई नतीजा। खड़गे को इन्विटेशन ना मिलने पर पी चिदम्बरम ने भी सरकार को घेरा, कहा कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि डिनर में विपक्ष के नेता को आमंत्रित नहीं किया गया। रात्रि भोज में न्योता ना मिलने पर भड़के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, केंद्र सरकार को नहीं करनी चाहिए ओछी राजनीति। G20 के नारे वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कसा तंज, कहा पीएम वन मैन वन गवर्नमेंट और वन बिजनेस में करते हैं विश्वास। G20 की तैयारी को लेकर राहुल गांधी का ट्वीट, लिखा गरीबों और जानवरों को छिपा रही है सरकार। राहुल गांधी ने कहा, हमारे देश की सच्चाई हमारे मेहमानों से छिपाने की नहीं है कोई जरूरत। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के वक्त इंडिया की जगह भारत लिखी हुई नेम प्लेट पर बोले सपा नेता राम गोपाल यादव, कहा इंडिया गठबंधन से घबरा रहे हैं मोदी। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, वायु जल और थल से की जा रही है समिट की निगरानी। सम्मेलन के दौरान दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात, चप्पे चप्पे पर जवानों की नजर। रायसीना हिल्स में दिल्ली पुलिस का अभेद्य पहरा, बैरिकेटिंग लगाकर आवाजाही को किया गया बंद। विदेशी मेहमानों की सुरक्षा को लेकर राजधानी दिल्ली छावनी में तब्दील, कनॉट प्लेस में दूरबीन से भी निगरानी। कल सुबह राजघाट पहुंचेंगे समिट में आए G20 देशों के प्रमुख, महात्मा गांधी को दी जाएगी श्रद्धांजलि। G20 के लिए पूरी तरह से सजी हुई है दिल्ली, मुख्य समारोह स्थल प्रगति मैदान इलाके की रौनक बदली, NDMC हेडक्वार्टर को भी हुई की खास सजावट हुई है, देखते बन रही है खास तस्वीरें। दिल्ली में सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र बना भारत मंडपम, रात में रंग बिरंगी रोशनी से जगमग कर रहा है मंडपम। मंडपम के सामने लगे फाउंटेन बने खूबसूरती की शान, रात में खूबसूरती में और चार चांद लग रहे हैं। मेहमानों के स्वागत में नहीं कोई कमी, 800 पतंगों से नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट को सजाया गया। संस्कृति मंत्रालय ने तैयार की खास एग्जीबिशन, देश की कला संस्कृति का अनुभव कर रहे मेहमान। राज्यों के आर्ट स्टॉल भी बने आकर्षण का खास केंद्र, महाराष्ट्र और तेलंगाना के स्टॉल्स की तारीफ। भारत मंडपम में देश भर की कलाकृतियों के लगाए गए स्टॉल, प्राचीनता और आधुनिकता का दिखा संगम। G20 समिट के क्राफ्ट बाजार में लगी कश्मीर हैंडीक्राफ्ट की प्रदर्शनी, दस्तकारों ने जताई खुशी। ताजमहल देखने पहुंचे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के बेटे केसांग पंगारेब, पत्नी के साथ खिंचवाई फोटो। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक कल सुबह दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर का करेंगे दर्शन, पत्नी अक्षता भी होंगी साथ।